हमारे ब्रदरी अजीज प्रोफेसर शाकिर भाई साहब, हमारे तमाम इदारों के हेड, हमारे मेहमानान गिरामी, मेरे अजीज बेटों और बेटियों, आज हम और आप 78वां योम आजादी मना रहे हैं। लोग समझते हैं कि आजादी की तहरीक 1857 से शुरू हुई, लेकिन तारीख वालों ने बताया कि ये तहरीक टीपू सुल्तान के जमाने में शुरू हो चुकी थी और सिराज़ उद्दौला जो बंगाल का हाकिम था उसके जमाने में शुरू हो चुकी थी। बच्चों, आपको शायद पता हो कि मेरठ में मंगल पांडे नाम का एक शख्स था फौजी, अब तो उसके ऊपर फिल्म वगैरह ही बन गई है, बन नहीं गई थी, मैं छोड़ दी 25-30 साल से। तो मंगल का को पता चला कि जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय और उसकी तस्वीर है, तो उसकी चर्बी मिली हुई है। तो मंगल पांडे ने कहा, मैं तो खुल नहीं सकता उसे, मुसलमान के लिए खाता हूँ तो मैं भी नहीं खोल सकता। फिर वहां से आजादी की जद्दोजहद शुरू हो गई। एक काम ये हुआ कि बहुत ही बुढ़े आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को सपोर्ट किया गया कि आप हमारी रहनुमाई करेंगे। जो 90 साल आदमी खुद अपने पैरों से चल नहीं सकता, वो क्या किसी की रहनुमाई करेगा। लेकिन 17 अगस्त को हम आजाद हो गए। पड़ोस वाले 14 अगस्त में आजाद हुए, क्योंकि रमजान शरीफ का महीना था और शब कदर थी उनसे, तो भाई पहली डिफेंस है। हम लोगों ने सुकून से आराम से अपनी आजादी की और अल्लाह का फल है, आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हमारा नुआ मान गई। हमारा वजीर आजम कुछ भी हो, लेकिन सफर करने में और दुनिया के प्रेसिडेंट्स को और हुकूमतों को बादशाहों को राजी करने में बड़ा चैंपियन है। हो सकता है इसी बात को उसे भारत रत्न मिल जाए 26 जनवरी को। तो मेरे अजीजों, एकदम रिवर्स कर जाता है राही। याद आओ, और मुझे इतनी शर्मिंदगी पोत होती है अपने पैदा होने में। तो 15 अगस्त में क्यों पैदा हुआ, 13 अगस्त में पैदा हो सकता था, 17 अगस्त में पैदा हो सकता था। तो मुझे लगता है इसमें घड़ों पानी पड़ गया, क्योंकि अभी उम्र 20 साल में हमने कोई कारनामे अंजाम दिए। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, हमें किसी को जरूरत नहीं किसी को अपनी वफादारी का सबूत चाहिए। ब्रिगेडियर उस्मान ने परमवीर चक्र हासिल किया, सर पैसठ में हवलदार अब्दुल हमीद ने परमवीर चक्रवीर चक्र हासिल किया और कारगिल वाली में कैप्टन हनीफुद्दीन ने महावीर चक्र हासिल किया। जब भी वक्त पड़ा है हमने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जाने कुर्बान की है, और हमें किसी को वफादारी देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रसूल फरमाता है कि हुकुल बदन निस्कुल ईमान, बदन की मोहब्बत आधा ईमान है। और हमें कोई हमें कहे कि रंग आई है फलाना है, इस काल में जरूर अंदर निकाल दू, इसी के अंदर दूसरे काल इसीलिए दिया है। मेरी रिसर्च है कि इसमें भगवान आती है निकाल। तो हमारे पुराने हदीम में लिखा हुआ है अल्लाह प्रसाद को पसंद नहीं करता, वो कौन जो अल्लाह को मानती है और अल्लाह के रसूल को मानती है वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसे रसूल पर और अपने अल्लाह पर ईमान है तो कभी झगड़ा नहीं करेगी। मैं अपने सब भाइयों को, ये बच्ची जो है ना, ये हमारी कमाई है, ये और आपको सुना दूं कि मैं अहम था, ये वहम था, कोई चीज खाली नहीं रहती। और हम तो अब मैं मिलिट्री वर्क भेज रहे और ये सब सामने बैठे हुए इन्हीं में से लोग निकलेंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, लेक्चर होंगे। आप खुशी होगी कि आपके स्कूल के पढ़े हुए पुराने तालिबे डॉक्टर हो चुके और इंजीनियर हो चुके और अभी मैं आ जाऊँ PCS निकाल के पास। तो हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे इसी तरह से मेहनत और तरक्की करेंगे। खुदा आप सबको खुश रखे और इंशाल्लाह फिर आपसे 26 जनवरी को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।